दोस्तों, हम अपने लिए तो हमेशा ही कुछ न कुछ बनाते रहते हैं, लेकिन आज हम अपने गणपति बाबा के लिए अलग से उसकी मनपसंद की मिठाई बनाएंगे, मोदक। उसको हम मसाले से भर के बनाएंगे और एकदम सॉफ्ट टेस्टी कितने बने हैं ये मैं आपको काट के दिखाऊंगी। वाओ, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए, मैंने आपको काट के दिखाया है, अंदर मसाला भी कितने अच्छे से भरा गया है, कितना यम्मी लग रहा है। बच्चों को भी पसंद आएगा, भगवान तो हमारे खुश होंगे होंगे, बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए सूजी के भर के मोदक बनाते हैं। मोदक बनाने के लिए मैंने ये 1 चम्मच घी डाल दिया है कढ़ाई में। ये हमारा घी गर्म हो गया है। ये मैं 1 बड़ी कटोरी सूजी ले रही हूँ, वो भी इसी में डाल रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से 3-4 मिनट अच्छे से पकाएंगे, धीरे धीरे करके इसको सेकेंगे, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। सूजी को सेकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, सूजी हमारी हल्की ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें दूध डालूंगी। जिस कटोरी से मैंने सूजी लिया था उसी कटोरी से मैं दूध डाल रही हूँ। हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, एकदम से हम पूरा नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारी सूजी में बबल्स पड़ जाएंगे। सूजी को पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। ये अच्छे से दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है हमारी सूजी ने। अब ये मैं केसर, मैंने गुनगुने पानी में थोड़ा केसर को डाला था, इसने अपना कलर छोड़ दिया है। अब मैं इसको भी इसी में ऐड करूंगी ताकि हमारे मोदक में अच्छे से कलर आ जाए। ये देखिए दोस्तों, हमारी सूजी में केसर का हल्का सा कलर आ गया है और हमारा ये पक्के भी तैयार हो गया है। अब हम इसको ढक के 2-3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारी सूजी है ये अच्छे से और फूल जाए। हमारी सूजी को हमने ढक के रखा है, उसको हम 2-3 मिनट के लिए फूलने के लिए रख दिया है। जब तक हम इसमें 1 चम्मच घी डाल के मोदक के अंदर की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ये हमारा घी गर्म हो गया है। ये मैंने ड्राई फ्रूट काजू बादाम पिस्ता काट के रखे हैं। अब हम इसको थोड़ा हल्का सा सेकेंगे। ये हमारे काजू बादाम पिस्ता सीख गए हैं। ये मैं कुछ किशमिश भी इसी में डाल के सेक रही हूँ। किशमिश को हम हल्का सा ही सेकेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। ये हमारी किशमिश भी सीख गई हैं। अब मैं इसको कटोरी में निकाल लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने ड्राई फ्रूट निकाल लिए हैं कटोरी में। हमारी कढ़ाई में थोड़ा सा घी बचा है, मैं उसमें ये थोड़े से मखाने भी थोड़ा फ्राई करती हूँ इसी कढ़ाई में। ये हमारे मखाने भी सीख गए हैं, अब इनको भी मैं उसी कटोरी में निकालूंगी जिसमें पहले ड्राई फ्रूट निकाले थे। ये सारे ड्राई फ्रूट हमारे सीख गए हैं। अब मैं इनको दरदरा दरदरा पीसूंगी। ये मैंने ड्राई फ्रूट को भी दरदरा दरदरा पीस लिया है। मैंने जिस कढ़ाई के अंदर ड्राई फ्रूट सेके थे, अब मैं उसमें ये 100 ml दूध डालूंगी। ये 50-60 ग्राम में मिल्क पाउडर ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी ले सकते हो, मैं थोड़ा कम बना रही हूँ तो कम लिया है। अब ये भी मैं इसी में ऐड कर रही हूँ। इसको हम हिलाते हुए डालेंगे। अब हमें इस दूध को चलाते हुए अच्छे से इसको गाढ़ा होने देंगे। ये हमारा दूध गाढ़ा हो गया है। ये थोड़ा सा मैंने गरम दूध में केसर डाल के रखा था, वो भी मैं इसी में ऐड कर रही हूँ ताकि इसका कलर अच्छे से आ जाए। हमारे दूध में केसर का ही हल्का सा कलर आ गया है। अब इसमें मैंने जो ड्राई फ्रूट पीसे थे वो ऐड कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट को हम दूध में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मोदक के अंदर की फिलिंग का मसाला हमारा तैयार हो गया है। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं जब तक हम अपनी सूजी को देख लेते हैं। ये हमारी सूजी ठंडी हो गई है, हल्की सी गुनगुनी है गरम। अब हम इसमें मीठा डालेंगे। ये मैं पीसी हुई मिश्री डाल रही हूँ। आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हो, बूरा भी डाल सकते हो।
अब इस मीठे को हम सूजी के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ से। अब हम इसको आटे की तरह अच्छे से गूंथ लेते हैं। ये हमारी सूजी का डो बनके तैयार हो गया है। इसको हम साइड में रखते हैं, जो मोदक के अंदर की फिलिंग है अब उसका डो बनाएंगे हम। ये हमारा ड्राई फ्रूट का मिश्रण था जो ये ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें मीठा डालूंगी। मैं इसमें पिसी हुई 3 चम्मच चीनी डालूंगी। आप चाहे तो बूरा भी ले सकते हो। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अब चीनी को भी हम ड्राई फ्रूट के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसका अच्छे से एक डो बना लेते हैं। मोदक के अंदर की फिलिंग बनके तैयार हो गई है। अब हम इसके छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। पहले ऐसे करके हम सारे छोटे छोटे लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। पहले ये दोस्तों हमारी ये लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। अब हम मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस सूजी के आटे को हाथ में लेंगे। ये देखिए ऐसे हम गोल करके इसको ऐसे चिपटा ऐसे करके इसमें हम लड्डू रखेंगे। इसके अंदर लड्डू रख के फिर इसको हम ऐसे बंद करते हुए इसको अच्छे से मोदक बनाएंगे। इसको अच्छे से गोल करेंगे। पहले ये हमारा गोल हो गया। अब हम इसको मोदक बनाएंगे। ये हमारा मोदक बन गया है। अब हम इससे, आपके पास कोई भी चम्मच या कोई काटा या कोई भी आपके पास हो उससे आप इसके मोदक के ऊपर जो निशान होते हैं वो निशान बनाएंगे। यही हम सारे मोदक बना लेंगे। ऐसे करके हम सारे मोदक बना के तैयार कर लेते हैं। ये हमारे सारे मोदक बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको सजा लेती हूँ। जो हमने मोदक पे निशान लगाए हैं उसके ऊपर मैं ये केसर का पानी डाल के अच्छे से सजाऊंगी और ऊपर केसर लगाऊंगी और पिस्ता और कुछ मैंने ये बादाम भी लगा के इसको सजा लिया है। ये सारे मोदक हमारे बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने ये यम्मी बने हैं। एक बार आप ज़रूर इसको घर में ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।